आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहां वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो थर्ड है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक सॉफ्टवेयर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन वर्क क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होती है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। ठीक है, और जो यूजर है और जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूजर और जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसके बीच में क्या करती है, इंटरफेस करने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करती है, उसके जितने भी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करती है, उन पार्ट्स को मैनेज करती है और यूजर और जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है उनके बीच इंटरफेस का कार्य करती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो, लिनक्स, डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स, विंडो ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, ठीक है, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सेकंड है एग्जांपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जैसे आपका असेंबलर, ठीक है, कंपाइलर, ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको कौन डालता है दोस्तों, ये जब कंप्यूटर निर्माता है जब कंप्यूटर का निर्माण करते रहते हैं उसी टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फोटोशॉप, पेज मेकर, ये क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। एमएस वर्ड, एक्सेल, MS Excel ये सब क्या है, फोटोशॉप ये सब क्या है, पेज मेकर, ठीक है,
ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर यूज या किसी टास्क के लिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जिस भी एमएस वर्ड हम अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में कोई भी लेटर बना सकते हैं, या किसी भी चीज को अपन एमएस एक्सेल में बना सकते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में अपन फोटोशॉप वाला कार्य करते हैं, पेज मेकर में जैसे कि शादी कार्ड वार्ड बना सकते हो। इस प्रकार से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा थर्ड टाइप है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम अलग से नहीं डालते, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें अलग से नहीं डाला जाता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड, ठीक है, क्या है नोटपैड, जो नोटपैड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक ही आ जाता है, इसको अलग से नहीं डाला जाता। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों यहाँ वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार।